गेमिंग लैपटॉप अंडर 80,000। देखो ऐसा नहीं है कि गेमिंग लैपटॉप पे हम सिर्फ गेमिंग ही कर सकते हैं, लेकिन जितने भी अपने लैपटॉप के हैवी टास्क हैं, हैवी सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं डेली एंड एडिटिंग वगैरह, ये सारी चीजों के लिए भी जो अपने लैपटॉप के स्पेक्स चाहिए वो गेमिंग लैपटॉप वाले ही चाहिए। आई मीन ग्रेट जीपीयू, प्रोसेसर, डिस्प्ले एंड रैम। तो बेसिकली जो लैपटॉप आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा उन सब में आपको परफॉर्मेंस दी बेस्ट मिलेगी। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स चेक आउट दी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 80,000 रुपीस। तो सबसे पहला लैपटॉप है लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप। 78,000 रुपीस इसका करंट प्राइस है, लेकिन इसका प्राइस कभी कभी कम हो जाता है। 76,000-77,000 रुपीस में ये लैपटॉप आपको इजीली मिल जाएगा। प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, लेकिन ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बढ़िया, एकदम ही प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है। 15.6 इंच की फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले मिल जाती है। 120Hz रिफ्रेश रेट है, 250Hz की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इसके अंदर हमें राइजन प्रोसेसर मिलता है, AMD राइजन 7 5800H, 8 कोर्स 16 थ्रेड्स वाला ये प्रोसेसर है। एंड के साथ ही इसकी जो रैम है दैट इज ऑफ 16GB DDR4 रैम 3200 MHz वाली। देखो इतने बढ़िया प्रोसेसर के साथ ही 16GB की रैम का कॉम्बिनेशन एकदम ही डेडली कॉम्बिनेशन है। एंड मैक्सिमम केसेस में ये चीज होती है कि जिनमें हमें 16GB की रैम प्री इंस्टॉल मिल जाती है ना, उन लैपटॉप्स में रैम को एक्सपैंड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, बट नॉट इन दिस लैपटॉप। इसके अंदर हम रैम को एक्सपैंड कर सकते हैं, अप टू 32GB तक इसकी रैम को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। 512GB की SSD है लैपटॉप में, एंड इसकी जो स्टोरेज है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एक्स्ट्रा 2.5 इंच स्लॉट दी गई है लैपटॉप में, एंड इसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। NVIDIA GeForce RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है, एकदम ही बीस्ट ग्राफिक कार्ड है ये। 4GB का GDDR6 विद 85W TGP। Windows 11 के साथ ही MS Office 2021 हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ इसका जो बैटरी बैकअप है दैट इज अराउंड 5 आवर्स। अब यहाँ पे एक चीज है कि देखो जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं ना, मेनली उनका जो पर्पस होता है वो होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो उनके अंदर हम ज्यादा लंबे बैटरी बैकअप को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो गेमिंग करते हुए अराउंड 3 घंटे तक ये लैपटॉप इजीली चल जाता है। एंड आफ्टर दैट इसके जो एडिशनल फीचर्स है वो चेक करें तो इसके अंदर हमें सबसे पहले 3 महीने का एक्सबॉक्स गेमिंग पास मिल जाता है। लैपटॉप के अंदर ई कैमरा शटर दिया गया है। रैपिड फास्ट चार्जिंग को ये लैपटॉप सपोर्ट करता है। 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। 4 जोन वाइट बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है। एंड ऊपर से ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, यानी कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो दी बेस्ट है। इसकी ड्यूरेबिलिटी को एनहांस करने के लिए काफी ज्यादा टेस्टिंग की जाती है लैपटॉप पे, जिससे लैपटॉप काफी तगड़ा बन जाता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एंड सभी प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो आपको प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे, तो उन्हें आपने वहां से जरूर चेक करना है। अगला लैपटॉप है MSI का MSI कटाना GF76 लैपटॉप। 76,000 रुपीस इसका करंट प्राइस है। मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है, बहुत ही ड्यूरेबल लैपटॉप है। मैंने इस लैपटॉप को पर्सनली काफी ज्यादा देर तक यूज किया हुआ है। ये मेरा डेली ड्राइवर हुआ करता था, मैंने इस पे हर चीज करके देखी है, चाहे वो एडिटिंग हो, गेमिंग हो, हैवी सॉफ्टवेयर वगैरह, सब कुछ एकदम ही मक्खन परफॉर्मेंस मिलती है लैपटॉप में। एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है इस लैपटॉप को लेने का, दैट इज के इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले मिलती है ना वो काफी बड़ी डिस्प्ले है। 17 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है हमें, नॉर्मल फुल साइज डिस्प्ले से भी बड़ी डिस्प्ले इसकी। फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले है, मतलब कि जिसे भी डिजाइनिंग एंड एडिटिंग वगैरह करनी है ना, या फिर आपकी गेमिंग हो गई, तो आपके लिए ये डिस्प्ले एकदम ही बेस्ट रहेगी। ऊपर से डिस्प्ले के अंदर 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 45% NTSC है। इसके अंदर हमें इंटेल का प्रोसेसर मिल जाता है, इंटेल कोर i7 11th जनरेशन 11800H प्रोसेसर है। H सीरीज का प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस दी बेस्ट मिलने वाली हमें। 8 कोर 16 थ्रेड्स 16GB रैम हमें प्री इंस्टॉल मिल जाती है लैपटॉप में, DDR4 3200 MHz वाली। नाउ द थिंग इज की रैम तो इसकी भी एक्सपेंडेबल है, लेकिन इसकी रैम को हम 64GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड दूसरा ऐसा कोई भी लैपटॉप नहीं है जो इतनी ज्यादा रैम एक्सपेंशन को सपोर्ट करे, तो ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है इस लैपटॉप का। 512GB की SSD मिल जाती है, एंड इसकी जो स्टोरेज है दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल। सेम ग्राफिक कार्ड दिया गया, NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6 4GB का डेडिकेटेड, विंडोज 11 दी गई है, लेकिन MS Office हमें इसके साथ नहीं मिलता। लेकिन देखा जाए तो यार गेमिंग लैपटॉप में MS Office वैसे भी नहीं मिलता। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है लैपटॉप में हमें। 2 सालों की वारंटी दी गई है इसके अंदर, विच इज डबल वारंटी एज कम्पेयर टू अदर लैपटॉप ऑफ दिस प्राइस रेंज। रेड बैकलेट कीबोर्ड है इसका, तो ये भी लैपटॉप काफी ज्यादा बढ़िया, इसे भी आपने जरूर कंसिडर करना है। देखो यार ऐसा कोई भी काम नहीं आपका जो ये लैपटॉप इजिली हैंडल नहीं कर सकता। अगला लैपटॉप है विक्टस बाय HP। विक्टस का ये लैपटॉप आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। दिखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देता है लैपटॉप, तो कई यूजर्स के लिए इसकी जो लुक है वो काफी बड़ा प्लस पॉइंट हो सकती है। 82,000 रुपीस इसका करंट प्राइस है, लेकिन डिस्काउंट वगैरह ऐड करने के बाद ये लैपटॉप इजिली अंडर 80,000 रुपीस में हमें मिल जाता है। एंटी स्टैटिक प्लास्टिक बिल्ड बॉडी है इसकी, काफी ड्यूरेबल लैपटॉप है। 16.1 इंचेस की फुल एचडी आईपीएस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। 144Hz का रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 7 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम है, यानी कि इसकी जो डिस्प्ले
वो दी बेस्ट है। AMD Ryzen 7 प्रोसेसर है 5800H। प्रोसेसर की कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने है। 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 16GB की रैम DDR4 3200 MHz वाली डुअल चैनल। अप टू 32GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। 512GB की SSD है। एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलती लेकिन इसकी जो स्टोरेज है उसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग दी SSD। इसके अंदर भी सेम ग्राफिक कार्ड है NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB का GDDR6 डेडिकेटेड विद 75W TGP। विंडोज 11 के साथ ही MS Office 2019 मिल जाता है लैपटॉप में एंड बोथ कम्स विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ इसका जो बैटरी बैकअप है दैट इज अराउंड 3 to 4 hours। अब इसके अंदर हमें फुल साइज बैकलेट कीबोर्ड मिल जाता है अलॉन्ग विद नम पैड एंड ऊपर से ये लैपटॉप बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट के साथ आता है टू ऑपरेट विद आर वॉइस कमांड। तो ये भी लैपटॉप काफी ज्यादा बढ़िया, इसके काफी अच्छे रिव्यूज हैं, तो इसे आपने जरूर कंसिडर करना है। Acer Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप। कई बार ये चीज होती है कि यूजर्स को ना इतनी नॉलेज नहीं होती लैपटॉप की, तो फर्स्ट एंड सेकंड लैपटॉप, ये जो दोनों लैपटॉप मैं आपको बताने वाला हूँ ना, भी इन दोनों में से आप बिल्कुल आंखें बंद करके किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। ये दोनों लैपटॉप दी बेस्ट ऑप्शन है अंडर 80,000 rupees। 78,000 rupees इसका करंट प्राइस है। प्लास्टिक बॉडी है लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक है। ड्यूरेबल लैपटॉप है ये भी। 15.6 inches की फुल HD IPS डिस्प्ले, 144Hz का रिफ्रेश रेट है। इंटेल कोर i5 प्रोसेसर मिल जाता है। लेटेस्ट प्रोसेसर है 12th जनरेशन वाला 12500H। देखो इस लैपटॉप के जो थर्मल्स है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप है ये, एकदम ही 20 परफॉर्मेंस मिलती है आपको इसमें। 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 8GB की रैम DDR4 3200 MHz वाली। अब एक चक्कर है कि कई यूजर्स के लिए 8GB की रैम सफिशिएंट नहीं होगी, लेकिन जब लैपटॉप के अंदर एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है ना तो कंपनी भी कहीं ना कहीं से तो कॉस्ट कटिंग करती है। बट ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इसकी जो रैम है दैट इज एक्सपेंडेबल। अप टू 32GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। 512GB की SSD है एंड ऊपर से इसकी जो स्टोरेज है दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल। 95W TGP वाला इसके अंदर ग्राफिक कार्ड दिया गया, एकदम ही तगड़ा ग्राफिक कार्ड है। NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB का GDDR6। Windows 11 मिल जाती है। MS Office हमें नहीं मिलता। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 5-6 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। बहुत ही अट्रैक्टिव कीबोर्ड है इसका। 4-color RGB बैकलेट कीबोर्ड है, तो दिखने में भी लुक वाइज ये लैपटॉप कंप्लीटली यूनिक है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, इसे आपने जरूर कंसिडर करना है। अगला लैपटॉप है Asus TUF-F15 लैपटॉप। नाउ द थिंग, इसके 80,000 वाले एक लैपटॉप के अंदर जो भी हमें मैक्सिमम मिल सकता है ना फीचर्स वाइज, वो सब कुछ आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। अराउंड 81,000-82,000 rupees इसका करंट प्राइस है। टॉप लेड मेटल की है, रेस्ट प्लास्टिक की बॉडी है सारी इसकी। 15.6 inches की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है। 250 nits की ब्राइटनेस, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC। इसके अंदर भी हमें लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है, इंटेल कोर i5 12th जनरेशन वाला 12450H। 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये एंड इसके अंदर हमें 16GB की रैम मिल जाती है। देखो, जिसके लिए भी रैम एक काफी बड़ी चीज है, तो आप 16GB की रैम के साथ ये लैपटॉप बाय कर सकते हो। एंड ऊपर से बाकी सभी लैपटॉप्स के कंपैरिजन में इसकी जो रैम है वो काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर हमें DDR5 रैम दी गई है एंड बाकी सभी लैपटॉप्स में DDR4 रैम थी। एंड ऊपर से 4800 MHz वाली रैम है ये। 32GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। 512GB की SSD एंड स्टोरेज इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल ऑफ दिस लैपटॉप। 75W TGP वाला 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है। 4GB का डेडिकेटेड विंडोज 11 MS Office 2019 बोथ कम्स विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। सिंगल व्हाइट कलर बैकलेट कीबोर्ड है इसके अंदर। देखो, आप में से जिसे भी लैपटॉप के बारे में इतना ज्यादा नहीं ना पता, तो आप इस लैपटॉप को बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। 16GB की रैम है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, ग्राफिक कार्ड एकदम ही तगड़ा है, जस्ट गो फॉर इट। एंड सभी प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो आपको प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे, तो उन्हें आपने वहां से जरूर चेक करना है। सो यार, दीज आर दी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 80,000 rupees इन 2023। आपको इन पांचों में से सबसे बेहतरीन लैपटॉप कौन सा लगा वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। एंड अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है लैपटॉप से रिलेटेड, तो उसे भी आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज यार इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।